श्री एकलव्य सिंह गौड़ जी हमारा संबोधन करेंगे, उसके पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री एकलव्य सिंह गौड़ इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। आप हिंद रक्षा संगठन के संयोजक हैं। आप हिंदू संस्कृति की परंपराओं का पालन करते हैं। हिंदू विरोधी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम इंदौर में रोककर आपने उस पर कानूनी कार्रवाई हेतु सफल प्रयास भी किए हैं। नफीजा बेकरी का विरोध करने के लिए हिंदू बेकरी का भी प्रारंभ आपने किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ हम सभी को संबोधित करें। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आज प्रथम दिवस के तृतीय सत्र में मंचासीन आदरणीय नितिन शिंदे जी, आदरणीय पंडित सुरेश मिश्रा जी, आदरणीय शेखर मुंदड़ा जी, आदरणीय सुनील घनवट जी और इस सभागार में पूरे विश्व से आए हुए सभी धर्मनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ बंधु एवं भगिनी, समिति के सभी कर्मठ स्वयंसेवकगण, हम सभी के आदरणीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, मैं आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आता हूँ। हिंद रक्षक नामक एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का संयोजक हूँ। वर्ष 1998 में इस संगठन को मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने अपने कुछ युवा साथियों के साथ इसकी स्थापना की थी। हिंद रक्षक संगठन की स्थापना का उद्देश्य था कि इसका नारा उन्होंने स्लोगन बनाया कि राष्ट्र धर्म एवं संस्कृति के प्रहरी, युवाओं को राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रहरी के रूप में तैयार करना इस संगठन का मूल उद्देश्य था। और हमारे धर्म में जो भी आघात पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई विकृति आ गई है, उसको दूर करना अपने सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, इस हेतु इस संगठन की स्थापना की गई। मुख्यतः तीन प्रकल्प वर्ष में हम लोग इस संगठन के माध्यम से करते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में जब होली का फागुन का महीना होता है तो एक राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत, ये संगठन का सबसे पहला कार्यक्रम वर्ष 1998 में पहली राधा कृष्ण फाग यात्रा। मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर होली का माहौल बड़ा ख़राब हो गया था, पूरा त्यौहार बड़ा विकृत स्वरूप हो गया था उसका। संपूर्ण मालवांचल में, मालवा रीजन एक बहुत मध्य प्रदेश का एक हृदय स्थल जिसको कहा जाता है, तो जब उन्होंने देखा मेरे पूज्य पिताजी ने कि इतना पावन पवित्र त्यौहार जो भगवान राधा कृष्ण के समय से मनाते आ रहे हैं, हमारा सनातन संस्कृति का इतना मुख्य पर्व जो है, उसका इतना विकृत स्वरूप कैसे हो सकता है, कीचड़ से होली खेलना, कपड़े फाड़ना, मातृशक्ति को भद्दे भद्दे इशारे करना, बुजुर्गों की धोतियां खींच देना, मतलब तमाम फूहड़ता जितनी प्रकार की हो सकती है इस प्रकार का त्यौहार हो गया था। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है, इस प्रकार का उसका स्वरूप हो गया था। उसको ठीक करने के लिए जब उन्होंने जब ये स्वरूप देखा, उनके मन में पीड़ा हुई, अपने कुछ साथियों से उन्होंने चर्चा की कि इतना पावन पवित्र हमारे धर्म का त्यौहार इतना विकृत नहीं हो सकता, हम इसको इसके मूल स्वरूप में लौटाएंगे। और उन्होंने अपनी जो कल्पना थी वो अपने साथियों के सामने रखी कि मैं ये चाहता हूँ कि इस पावन पवित्र के दिन मातृशक्ति, जो भय के कारण कि कहीं कोई हमारे साथ हरकत ना हो जाए, बुजुर्ग इस भय के कारण कि कोई अभद्रता ना कर दे इसलिए घर से नहीं निकलते, इतना गंदा स्वरूप हो गया, इसको हमें ठीक करना है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि इसके मूल स्वरूप में लौटाएंगे। भगवान राधा कृष्ण का एक रथ होगा, उसके अंदर भगवान की मूर्ति विराजित होगी,
मातृशक्ति उस रथ को खींचते हुए चलेंगी, परिवार सहित मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के माताएं बहनें युवा निर्भीक होकर के अपने पारंपरिक धार्मिक स्वरूप में इस त्यौहार को मनाएंगे, ऐसी मेरी कल्पना है। जब उन्होंने ये बात अपने साथियों के सामने रखी तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ, कई लोगों ने कि दादा आप तो असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिस दिन पुरुष निकलने से डरते हैं आप महिलाओं को निकालने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो तय कर लिया, मैं तो मेरे परिवार के साथ निकलूंगा, अब आप में से कौन कौन मेरे साथ चलने को राजी है। सब ने एक सुर में, क्योंकि वो उनके नेतृत्व करता थे, उन्होंने कहा आप जाएंगे तो हम जरूर आएंगे, बस हम यहाँ जितने मौजूद हैं उतने चलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अब रंगपंचमी के दिन उस यात्रा को निकालने का तय किया गया, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, सरकार को लगा कि ये क्या नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर तमाम तरह के बैन लगा दिए, परमिशन नहीं दी गई, खूब संघर्ष हुआ, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, लाठीचार्ज हुआ, भगवान का रथ जब्त कर लिया गया, मूर्ति जब्त कर ली गई। और जब देखा कि पवित्र उद्देश्य से कोई व्यक्ति काम करने निकला है तो समाज ने उसमें बढ़ चढ़ करके हमको आशीर्वाद दिया, 7 दिन तक मीडिया ने भी भरपूर प्रतिसाद दिया, प्रशासन के इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ मीडिया ने भी खूब लिखा, समाज भी सड़क पर उतर गया, और अंततः पहले होली पे निकलने वाली थी, फिर 5 दिन बाद रंग पंचमी के दिन प्रशासन ने घुटने टेके और धूमधाम से पहली राधा कृष्ण फाग यात्रा इंदौर में निकली। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इतने सालों का जो संघर्ष और तपस्या रही, आज लगभग 25,000 से अधिक मातृशक्ति इस यात्रा में शामिल होती है, 1.5 लाख से अधिक बंधु युवा अपने परिवार सहित शामिल होते हैं, संपूर्ण मालवांचल में लगभग 50 से ज़्यादा फाग यात्राएं, इस प्रकार की यात्राएं इस सात्विकता लिए पारंपरिक अपने अंदाज में वो निकलने लगी हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा स्थानों पर फाग उत्सव होने लगे हैं, मतलब पूरे त्यौहार का एक माहौल सात्विकता लिए और अपने मूल स्वरूप में लौट आया है, और उसका इस यात्रा का हिस्सा बनने का हिंदरक्षक संगठन को अवसर मिला, समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया। दूसरा हमारा एक प्रकल्प होता है पुण्योदय प्रकल्प, वो भी 11 जुलाई से हम लोग शुरू करने वाले हैं, 11 जुलाई से 11 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलता है। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले जो अभावग्रस्त निर्धन बच्चे हैं उनको हम अभ्यास पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराते हैं, प्रतिवर्ष 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाएँ लगभग 60,000 ऐसे अभावग्रस्त बच्चों तक पहुंचती है, और उसमें हिंदरक्षक संगठन एक सेतु का काम करता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान धर्म दान पुण्य करना चाहते हैं, और ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको उसकी आवश्यकता होती है, उन दोनों के बीच में हम एक सेतु का काम करते हैं, समाज के निर्धन वर्ग से समाज के संपन्न वर्गों को जोड़ते हैं। हम जो अभ्यास पुस्तिकाएं बच्चों को वितरित करते हैं उनका एक सांकेतिक शुल्क लेते हैं 1 रुपया, ताकि वो बच्चा उसका महत्व समझे और उसका स्वाभिमान भी जिंदा रहे। उन अभ्यास पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर महापुरुषों के चित्र होते हैं, अंदर उनकी जीवनी होती है। आमतौर पर स्कूलों में टेक्स्ट बुक में हमारे देश में कई महान विभूतियाँ हुई हैं जिनका उल्लेख टेक्स्ट बुक में नहीं होता, ऐसे प्रतिवर्ष एक सब्जेक्ट हम लेते हैं और उससे जुड़े हुए विभूतियों का हम चित्र उस पर देते हैं, उनकी जीवनी देते हैं, ताकि बच्चा उनके चित्र को देखे, उनकी जीवनी पढ़े, उन्होंने देश समाज धर्म के लिए जो किया है उनके गुणों को अपने अंदर वो आत्मसात करें। तो ये 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाओं के माध्यम से लगभग 60,000 बच्चे लाभान्वित होते हैं। तीसरा हिंदरक्षक गरबा महोत्सव, नवरात्रि के समय एक बहुत विशाल गरबा महोत्सव का आयोजन हम करते हैं। इसकी शुरुआत भी एक पीड़ा से हुई थी, जब आदरणीय लक्ष्मण सिंह गौड़ मेरे पूज्य पिताजी ने जब ये देखा कि हमारे नवरात्रि के महोत्सव में भी बहुत विकृतियां आ गई हैं, डिस्को डांडिया, फिल्मी गानों पर गरबा तो नहीं हो रहा है पर डांस हो रहा है,
नवरात्रि जो माता की आराधना का पर्व माना जाता है, माता की आराधना के स्थान पर माता का अपमान होने लगा है। माता जी की मूर्ति हम बिठाते हैं और आसपास वेस्टर्न आउटफिट में लड़के लड़कियाँ गरबे के स्थान पर डिस्को डांडिया फूहड़ नृत्य। तो जब ये सब दृश्य देखे उन्होंने, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ तय किया कि इसको भी हमें बदलना है, और हिंदरक्षक गरबा महोत्सव की उन्होंने शुरुआत की। 1999 से ये कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 20 से 25,000 दर्शक अपने परिवार के साथ प्रतिदिन इसमें शामिल होते हैं। एक अस्थाई स्टेडियम हम एक मैदान में बनाते हैं, पूर्णतः धार्मिक पारंपरिक परिवेश में, धार्मिक और पारंपरिक भजनों पर, गरबा गीतों पर, और भारतीय परिधानों को पहन करके ही उसमें हम आने देते हैं। तो ये तीन प्रकल्प मुख्यतः हिंदरक्षक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। आज सुबह के सत्र में परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी भी थे। वो वनवासी क्षेत्रों में कई लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। सन 2006 में, 2004 में और 6 में हमारा मालवांचल के पास में एक झाबुआ, पूरा वनवासी क्षेत्र है झाबुआ लेराजपुर, वहाँ के 1232 गांवों में 1232 शिवलिंगों की स्थापना हुई थी 2004 और 2006 में। इंदौर में दो कथाएं हुई थी परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के सानिध्य में, हिंदरक्षक संगठन उसका आयोजक था। तो पहली कथा में 131 शिवलिंग और दूसरी कथा में 1100 शिवलिंग। झाबुआ एक वनवासी क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा था। क्रिश्चियन मिशनरियाँ बहुत ताकत से वहाँ काम कर रही थी और वहाँ पानी की कमी होने के कारण वहाँ से बहुत तेज़ी से लोग पलायन कर रहे थे। संसाधनों का अभाव और उसका लाभ मिशनरियों ने उठाया और वहाँ बहुत तेज़ी से धर्मांतरण, वहाँ पे चावल, पैसा, शराब, इस तरह का लालच देके दवाइयाँ, इलाज, और बहुत तेज़ी से भोले वाले वनवासी बंधुओं को उन्होंने, कई गांवों को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। इस सब को देखते हुए हिंदरक्षक संगठन और शिवगंगा एक संस्था है, वहाँ शिवगंगा ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। और मुझे बताते हुए आप सभी को प्रसन्नता है कि हम लगभग धर्मांतरण रोकने में वहाँ सफल हो गए हैं। 1232 गांवों में वहाँ शिवालय स्थापित हो गए हैं। लगभग हर महादेव, लगभग 500 से ज़्यादा गांवों में वहाँ जलाशय, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण हुआ है, कई तरह की जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है। और उसके माध्यम से ये परिवर्तन आया कि जब वहाँ पानी पहुँचा, लोग वहाँ रुकने लगे, वहाँ खेती करने लगे, वहाँ मवेशी पालन करने लगे, आर्थिक रूप से वो अपने सशक्त होने लगे। और जब वहाँ उन्होंने देखा, कई गांवों में ये स्थिति आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको पता नहीं है कि शिव जी कौन है और हनुमान जी कौन है। वो शिव जी को बाबा देव या बड़ा देव बोलते हैं, उस समय उनको पता नहीं था। राम राम रोज करते हैं एक दूसरे से, पर राम कौन है उनकी डिटेल नहीं पता। तो वहाँ अलग अलग कार्यक्रम शिवगंगा और हिंदरक्षक के माध्यम से आयोजित हुए, कांवड़ यात्राएँ निकली, वहाँ गणेशोत्सव होने लगे, कथाएँ होने लगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में आया। 2008 में 1100 कुंडी सहस्त्र जाति कोटि चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, हिंदरक्षक संगठन उसका आयोजक रहा। उस यज्ञ के माध्यम से हमने हिंदू समाज की 1000 से ज़्यादा जातियों की लिस्टिंग की और उन जातियों को हमने इनवाइट किया, उस यज्ञ में बुलाया कि आप परिवार सहित अपने पूरे समाज बंधुओं के साथ आइए और यज्ञ में आप भाग लीजिए। उस यज्ञ का उद्देश्य, उस यज्ञ का नारा था, सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं। जातिगत भेदभाव को मिटाने का संकल्प लेने के उद्देश्य से उस यज्ञ का आयोजन हुआ। और एक ही यज्ञ कुंड पे आपको आश्चर्य होगा कि राजपूत भी बैठा है, भलाई समाज का भी बैठा है, वनवासी बंधु भी बैठा है, ऐसे सभी समाज के लोग जातिगत भेदभाव को भूलकर उस यज्ञ में बैठे। कई ऐसी जातियाँ थी हिंदू समाज की जिनको यज्ञ करने का सौभाग्य अपने जीवन में नहीं मिला था, तो वो अवसर उनको मिला। और सबसे प्रथम आहुति जिसने दी थी वो था हमारा वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज ने उस यज्ञ की शुरुआत की थी
जिसको सबसे निचले दर्जे का समाज दुर्भाग्य से कई लोग मानते हैं, उस समाज को उस यज्ञ को शुरुआत करने का अवसर दिया। तो ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के आयोजन इंद्रक्षक संगठन के माध्यम से हुए हैं और इसके प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जो कि इस संगठन के संस्थापक भी रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति उनका जो संवेदनशीलता थी, उनका जो प्रेम था, और उनका मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो लगभग पूरा मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है ऐसा माना जाता था। इस परिभाषा को उन्होंने बदल दिया, उन्होंने अपने साथियों को संगठित किया और ये भाव भरा कि घिरे हुए हम नहीं है, घिरे हुए ये लोग हैं हमसे, ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर। तो उन्होंने, और मैं एक ऐसे मोहल्ले से आता हूँ जो अपने आप में कुख्यात मोहल्ला माना जाता था, जहाँ सभी प्रकार के दादा बहादुर, पहलवान, बदमाश, ऐसे बस्ती में से निकल करके युवाओं को उन्होंने संगठित किया और राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रहरी के रूप में तैयार किया, जो आज इंद्ररक्षक संगठन के कई हजारों हजार कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वहाँ हम जब छोटे थे तो जब बकरीद या मुहर्रम का मुसलमानों का जब ये पर्व आते थे तो जब वो बकरे काटते हैं तो उसका मांस रक्त, वो हिंदुओं में भय व्याप्त हो इसके लिए वो बच्चों को परेशान करते थे, हमको परेशान करते थे। तो ऐसे सब माहौल में से उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता, संघर्ष करने के लिए युवाओं को संगठित किया और उनकी इस संगठन शक्ति को देखते हुए फिर विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनको विविध दायित्व मिले, बजरंग दल के वो संयोजक रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल करके बुलाए और अवसर दिया और तीन बार वो विधायक रहे, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। दुर्भाग्य से एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया, उसके बाद समाज ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और हम सब उनको प्रेरणा स्रोत मानकर आज कार्य कर रहे हैं और सभी प्रकल्प उनके जाने के बाद लगातार चल रहे हैं। मेरा हिंदू जन जागृति समिति से काफ़ी समय पुराना परिचय है, आदरणीय पिंगले जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, आनंद जी, श्री राम काने जी लगातार आग्रहपूर्वक कार्यक्रमों में बुलाते हैं और ये मेरा यहाँ आने का प्रथम अवसर है। मैं बहुत बहुत आपको, आपका हृदय से आभारी हूँ, आपने बुलाया मुझे, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद एकलव्य जी, आप और आपकी जो हिंद रक्षक संगठन है वो बहुत ही अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। केवल हमारे त्यौहार उत्सव की पवित्रता को बचाए रखना यही नहीं, तो राष्ट्र पुरुषों का सम्मान हम किस प्रकार से करना चाहिए, इसी के साथ संस्कृति रक्षा, समाज जागृति का कार्य भी आपका संगठन कर रहा है, यह बहुत ही अभिनंदनीय है। और आपने, आपके पूज्य पिताजी का जो गौरवशाली परंपरा है वह सफलतापूर्वक जारी रखा है, तो ये बहुत ही अभिनंदनीय है। इसके लिए हम इस हिंदू राष्ट्र, वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। आप जैसे हिंदू वीर ही हिंदू राष्ट्र की शक्ति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।